व्हाट्सएप फेल दीज। तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आ गया आपका अकाउंट्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं अपना नया मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे करते हैं, इसको समझाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझना है कि वेट, ये वेट होते क्या है। बेटा हम सबको पता है कि मनी की वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपको पता है, एक पाले जी बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं। आज जो पाले जी बिस्किट आता है 10 रुपीज का, वो पहले के टाइम में कितने का आता था, किसी को याद है? एनीवन? 5, 4, राइट? तो मनी की वैल्यू मेरे बच्चे क्या होती है, थोड़े टाइम के बाद फ्लक्चुएट होती है। यानी जो आपने पहले के टाइम पे 1 रुपया कमाया है, वो आज के कितने बराबर होगा, 10 रुपए के। या अगर इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि आज 10 रुपए कमाने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ज्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स के, जो कई साल के प्रॉफिट होते हैं, उसको एक लेवल पे मैं बोलूं मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना, अभी मैंने आपको बताया पहले के टाइम का 1 रुपया आज के कितने के बराबर है, 10 के। अगर पहले 2 रुपए कमाता तो कितने होते, 20। अच्छा पहले अगर 3 रुपए कमाता तो कितने होते, 30, राइट? तो मैंने क्या करा, अपने प्रॉफिट्स को वेट दे दिया, वेट समझे, क्या करा उसको एक लेवल पे मैच कर दिया। इसी टॉपिक के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लेते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, वेट्स इनटू में एवरेज प्रॉफिट, वेट्स या वेट्स इनटू में प्रॉफिट, नॉट एवरेज प्रॉफिट। फिर निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट्स। स्टेप 3, गुडविल। गुडविल के लिए क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब इसको समझने के लिए मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पिक कर रहा हूं डीके गोयल से। क्या कहता है, द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 इयर्स वर एज फॉलोज। बेटा हमारे को प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 5 सालों के, देखो पिछले 5 साल के प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमारे को क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है 2 इयर्स परचेज पे, किसका यूज करके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। इतना क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो द वेट्स टू बी यूज आर एस फॉलोज। वेट्स दे दिए हमने अपने प्रॉफिट को, क्या कर दिया, रैंक दे दी बेसिकली। क्या 2017 में जो प्रॉफिट है उसको कितनी रैंक दी, 1, 2018 में उसको 2, 19 में 3 एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर? ये वेट्स आपको बेटा क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे होंगे। तो हम बात करते हैं कि कैसे करना है। देखो इसके लिए एक छोटी सी हम टेबल बनाएंगे, एक छोटी सी हमने टेबल बनानी है। आप भी मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। वन टू ईयर प्रॉफिट वेट्स एंड प्रोडक्ट। यहां पर आ जाएगा ईयर एंडेड, यहां पर आएगा ईयर एंडेड, यहां पर आएगा प्रॉफिट्स, यहां पर आएगा वेट्स, यहां पर आएगा प्रोडक्ट।
देखिए सबसे पहला कौन सा है, 31 मार्च 2017 कितना प्रॉफिट है, 43,000। फिर 31 मार्च 2018 50,000। 31 मार्च 2019 52,000। 31 मार्च 2020 65,000। एंड 31 मार्च 2021 85,000। वेट्स कैसे कैसे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ 43,000। इसका करो कितना हुआ 1 लाख। इसका कितना हुआ 1,04,000। एक सेकेंड 1,56,000। 65 × 4 कर दो 132,60। 85 × 5 कर दो हमारा होगा 4,25,000। राइट, यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट का टोटल कितना हुआ बेटा, ये करते हैं 43,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,56,000 प्लस 2,60,000 प्लस 4,25,000 दैट इज 9,84,000। अब करो इसका टोटल 1 2 3 4 5 15। बोलो पहले यहां तक क्लियर है, यहां तक कंफ्यूजन क्लियर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट्स, टोटल प्रोडक्ट इज 9,84,000 टोटल वेट्स अपॉन 15। सो कितना है मेरा आंसर, दैट इज 65,600। अब गुडविल कितने में कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं 2, तो गुडविल कितनी हो जाएगी 65,600 × 2, दैट इज 1,31,200। बोलो क्लियर है कंफ्यूजन। ओके एक क्वेश्चन आप सबके लिए, ये टीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको दिखाए राइट नाउ। आओ बेटा अपने स्टेप्स चेक करो, सबसे पहले क्या लेंगे, ईयर एंडेड 31 मार्च, फिर प्रॉफिट्स, वेट्स एंड लास्ट प्रोडक्ट। रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 60:40। रमन और दमन पार्टनर्स हैं 60:40 में, एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ रुपीज 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। और पिछले 4 साल से उनको इतनी इतनी सैलरीज मिल रही है, कितनी, 50,000 और 40,000। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। सर क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर है, क्या शो कर रहे हैं, बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर की सैलरी अभी तक चार्ज नहीं करी गई, यानी माइनस नहीं करी गई। देखिए ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 1,40,000 1,01,000 एंड 1,30,000। तो 31 मार्च 2022 में कितना है प्रॉफिट मेरा 1,40,000। फिर 23 में है मेरा 1,01,000 एंड 24 में है मेरा 1,30,000। आगे जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। मैं इसकी पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, जीनू की, यहाँ पे मेन पॉइंट पढ़ते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
गुडविल कितने पे वैल्यू करनी है? 4 इयर्स परचेज पे. आगे प्रॉफिट्स आर टू बी वेटेड एज 1, 2 and 3 द ग्रेटेस्ट वेट बींग गिवन टू द लास्ट ईयर. प्रॉफिट्स लेने 1, 2 and 3. यहां तक क्लियर? ओके. जो मेन पॉइंट है वो यहां पर क्या है, वेट से भी पहले हमको एक चीज करनी पड़ेगी. क्या वेट से पहले क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट. याद है किसी को एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट तो एक काम करते हैं, इसको हटाई देते हैं यहां से. एडजस्टमेंट क्यों? मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि पार्टनर सैलरी क्या होती है, नॉर्मल एक्सपेंस. नॉर्मल एक्सपेंस को हम क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं या कुछ नहीं करते? माइनस. तो पार्टनर की सैलरी कितनी थी? 50,000 and 40,000 पार्टनर की सैलरीज. तो ये क्या करूंगा बेटा, 90,000 माइनस 90. यानी कितना लेके चलना है? प्रॉफिट कितना लेके चलेंगे हम? कितना हो गया आपका 1,40,000 - 90, दैट इज 50,000. 50,000, देन 11,000, देन 41,000. बोलो पॉइंट क्लियर? यहां से हम वेट्स लेंगे बेटा. क्या हुआ? ओके, दैट्स 130. तो ये हो गया वेट्स. वेट कितना है? 1, 2 and 3. अब निकालो प्रोडक्ट कितना हुआ आपका, 50,000, 22,000, 1,20,000. कितना बैठा आपका टोटल? 1,20,000 over 22, दैट इज 1,70,000, 1,70,000 एंड प्लस 22, 1,92,000 अपॉन में 6. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 1,92,000 अपॉन में 6, दैट वुड बी 32,000. और गुडविल लेनी है कितने इयर्स परचेज पे? 4 इयर्स. तो कितना हुआ मेरा? 1,28,000. ये था पॉइंट.